students, welcome back in our social science class. It is our chapter 6, caring and sharing anxiety part 2. First part में हमने देखा है कि जोया और माया के जो parents हैं वो बहुत hard work करते हैं जिससे कि जोया और माया की जरूरतमंद जो चीजें होती है वो उसे उन्हें दिला सके। साथ साथ ही वो जोया और माया का क्या करते हैं, स्टडी लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं और अपनी वो अपने जो फैमिली है उसके साथ बहुत प्यार से रहते हैं। इसी तरह से जोया और माया ये दोनों जो हैं वो भी क्या करती हैं, अपने पेरेंट्स का जो वर्क है वो शेयर करते हैं, जैसे कि वो घर को क्लीन रखने के लिए हेल्प करते हैं, उनकी मम्मी को हेल्प करते हैं, पापा को हेल्प करते हैं। इसी तरह से हमें भी क्या करना है कि हमारे पेरेंट्स को हेल्प करनी है। कौन कौन सी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं हम, जैसे क्लीनिंग है, डाइनिंग टेबल लगाना है, या फिर जो भी छोटी छोटी घर की चीज़ें होती है, या फिर खुद का काम खुद करेगी तो वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। कुछ कचरा वगैरह है, आपने कुछ चॉकलेट्स खाए, बिस्किट खाए, वो भी कहाँ डालने हैं, डस्टबिन में डालने हैं। अगर इतना भी आप अपना खुद का काम भी खुद करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, है ना। तो अब देखते हैं इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है, रिलेंट आंसर। क्वेश्चन ये, सर्कल द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वी मस्ट शेयर स्लैश नेवर शेयर द वर्क एट होम। तो हमें जो है हमारा घर का काम जो है वो पे शेयर करना चाहिए या नेवर शेयर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, शेयर। वी मस्ट शेयर द वर्क एट होम, शेयर के ऊपर क्या करना है हमें यहाँ पर टिक करना है। सेकेंड अवर पेरेंट्स स्लैश फ्रेंड्स लुक आफ्टर अस एट होम। जब हम घर पे होते हैं तो हमारा हमारी देखभाल कौन करता है, हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स, यस हमारे पेरेंट्स। तो हमें क्या करना है, पेरेंट्स के ऊपर टिक करना है। देन थर्ड वी मस्ट हेल्प अवर पेरेंट्स टू कीप द हाउस डर्टी और क्लीन। हमें हमारे पेरेंट्स की हेल्प करनी है, इसलिए टू कीप द हाउस डर्टी और क्लीन, यस क्लीन, हमें हमारा जो घर है क्लीन रखने के लिए पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। क्वेश्चन बी, हु डज द फॉलोइंग टिक द करेक्ट बॉक्सेस। यू कैन टिक मोर देन वन बॉक्स। अब यहाँ पर कुछ वर्क दिए हुए, कुछ एक्टिविटीज दिए हैं, वो कौन करता है, मम्मी पापा ग्रैंड माँ ग्रैंड पा या फिर आप करते हो, तो जो करना है जो करेक्ट आंसर है उसके आगे आपको टिक करना है। ये जो टेबल है ये आपको खुद को सॉल्व करना है, क्योंकि हर एक के घर पे जो पर्सन होते हैं कौन क्या वर्क करता है क्या नहीं करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है इसके आंसर्स, तो ये आप खुद अपने हिसाब से लिख सकते हो। व्हाट इज द प्लांट, आपके घर पे जो पौधे हैं प्लांट्स हैं उन्हें पानी कौन देता है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ग्रैंडपा एंड यू, यानी मैं और मेरे ग्रैंडपा प्लांट को क्या देते हैं, पानी देते हैं, तो यहाँ दो बॉक्स में मैंने टिक किया है। सेकेंड लेस द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल को लगाया, खाना खाने से पहले डाइनिंग टेबल को सेट करते लगाते हैं ना, तो कौन लगाता है, मम्मी एंड ग्रैंडमा। अगर आप हेल्प करते हो आपकी मम्मा की डाइनिंग टेबल लगाने के लिए तो आप यहाँ पर आपके बॉक्स में भी टिक कर सकते हो। देन कुक्स, कुकिंग कौन करता है, मम्मी, कौन कर रहा है कुकिंग, मम्मी। अगर ग्रैंडमा हेल्प कर रही है तो ग्रैंडमा के बॉक्स में भी आपको टिक करना है ना। देन प्लेस विथ यू, आपके साथ कौन कौन खेलता है घर पे, पापा एंड ग्रैंडपा। ये जो आंसर्स है तो ये आपको आपके हिसाब से टिक करने हैं। क्वेश्चन सी, आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट व्हाई डू जोयास पेरेंट्स वर्क हार्ड। जोया के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मेहनत क्यों करते हैं, वो क्यों हार्ड वर्क करते हैं। जोयास पेरेंट्स वर्क हार्ड सो दैट दे कैन गिव जोया एंड माया ऑल दैट दे वो हार्ड वर्क करते हैं जिससे कि वो अपनी बेटियाँ जो जोया और माया है उनको जो चीजें चाहिए वो उन्हें लाकर दे सके, इसलिए वो हार्ड वर्क करते हैं। सेकेंड हाउ डू जोया एंड माया हेल्प देयर पेरेंट्स। जोया और माया अपने पेरेंट्स की हेल्प किस तरह से करते हैं, जोया एंड माया हेल्प देयर पेरेंट्स बाय कीपिंग द हाउस क्लीन। अपने घर को क्लीन रख के वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, थिंक एंड आंसर। जो
school bag in her room. She take out her lunch box and keep it in the kitchen sink. She also gives her dirty uniforms to be washed. Does Zoya help her parents? Yes or no? देखिए क्या है कि जोया जो जो है स्कूल से घर आने के बाद अपनी स्कूल बैग जो है वो उसकी रूम में रखती है. दे वो अपना जो टिफिन बैग है उसमें से टिफिन निकाल कर टिफिन को वॉश बेसिन में रख देती है. देन जो किचन सिंक होता है तो किचन सिंक में वो उसे अपने टिफिन को रख देती है और अपना जो डर्टी यूनिफॉर्म है वो भी वॉश कर देती है. तो इस तरह से वो क्या करती है अपने पेरेंट्स की हेल्प करती है. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है डज जोया हेल्प हर पेरेंट्स, यस और नो. ये तो ये सारी चीजें वो कर रही है तो इसका मतलब वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करती है. तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, यस. डू एंड लर्न. ई क्राफ्ट एक्टिविटी, मेक अ फोटो फ्रेम विद आइसक्रीम स्टिक्स. यहाँ पर हमें क्या करना है आइसक्रीम स्टिक्स के साथ एक फोटो फ्रेम बनानी है. यहाँ पर स्टेप्स देखिए क्या क्या है. फर्स्ट मेक अ स्क्वायर विद द आइसक्रीम स्टिक्स, ग्लू द स्टिक टुगेदर. जो आइसक्रीम स्टिक्स है उन्हें स्टिक करके इस तरह से स्क्वायर बना लेना है. ग्लू योर फैमिली फोटोग्राफ टू द फ्रेम एट मोर स्टिक टू मेक द आउटर फ्रेम. इसके ऊपर आपका जो फैमिली फोटोग्राफ है वो रखना है और इसके बाहर से फिर से आइसक्रीम स्टिक्स लगाने हैं. डेकोरेट द कॉर्नर ऑफ द फ्रेम विद ग्लिटर, योर फोटो फ्रेम इज रेडी. इसका जो आउटर है आउटर साइड जो होती है इसके ऊपर ग्लिटर या फिर कोई भी जो डेकोरेटिंग की चीज़ें होती हैं वो यूज़ करके आप उसे डेकोरेट कर सकते हो. इस तरह से हमें फोटो फ्रेम बनानी है. आइए लेट्स सी अ शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेनिंग ऑल अबाउट हाउ टू मेक द फोटो फ्रेम. Thank you.
दे सकते हो, है ना। ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज करके जब हम हमारे पेरेंट्स को पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो बहुत खुश होते हैं। इस तरह से और अलग अलग वीडियोज आप यूट्यूब पर भी सर्च करके आप इस तरह फ्रेम बना सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन एफ वैल्यू। ड्रॉ हैप्पी फेस और अनहैप्पी फेस। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर में हमें सिर्फ फेस को ड्रॉ करना है। फर्स्ट, आई डू नॉट हेल्प ग्रैंडपा फाइंड हिज पेन। ग्रैंडपा इज, ग्रैंडपा को उनका पेन ढूंढकर देने के लिए आप हेल्प नहीं कर रहे हो, तो ग्रैंडपा कैसे हो जाएंगे, हैप्पी या अनहैप्पी, देखिए आंसर क्या है, अनहैप्पी। ग्रैंडपा का फेस कैसे हुआ है, अनहैप्पी, यानी कैसे हो जाएंगे, अनहैप्पी। सेकेंड, आई हेल्प मम्मी टू फोल्ड द क्लोथ्स। मम्मी इन जो क्लोथ्स है उनको फोल्ड करके रखने के लिए अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो मम्मी कैसे हो जाएंगी, हैप्पी हो जाएगी। सो यहाँ हमें हैप्पी फेस इसे ड्रॉ करना है। देन थर्ड, आई हेल्प माय लिटिल सिस्टर पुट ऑन हर सॉक्स। माय सिस्टर इज, जो आपकी लिटिल सिस्टर है, छोटी बहन है, अगर उसे सॉक्स वेयर करने के लिए, पहनाने के लिए आप हेल्प कर रहे हो तो वो कैसे हो जाएगी, खुश हो जाएगी, हैप्पी होगी। तो यहाँ पर हमें हैप्पी फेस ड्रॉ करना है। देन फोर्थ, आई डिड नॉट कीप माय शूज इन प्लेस। पापा इज, अगर आप आपके शूज जो है प्लेस पर नहीं रखते हो, इधर उधर बिखरे हुए पड़ रहे हैं तो हैप्पी हो गए क्या, नहीं, पापा क्या कैसे हो जाएंगे, अनहैप्पी। तो ये फेस कैसे होगा, अनहैप्पी वाला फेस होगा। ओके, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइज हमने देखी है उसमें क्वेश्चन आंसर्स लिख कर दिए, तो क्वेश्चन को वन टाइम लिखना है, आंसर्स को टू टाइम लिखना है और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके